उत्तम के निरूपण सूत्र की एक एक गाथा पर हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं। और इसके पहले पिछली कक्षा में हमने मूल नयों को समझा था, जो आचार्य ने बतलाया था कि निश्चय और व्यवहार ये दो मूल नय हैं। और इसी की व्याख्या में ये बात आई थी कि जो आत्मा के आश्रय से कथन होता है वो निश्चय नय कहलाता है, और जो उससे भिन्न जो पराश्रित कथन होता है वो व्यवहार नय कहलाता है। तो हम लोग 35वीं गाथा तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग पुनः उसी तरह दो गाथाओं को पढ़ेंगे यहाँ पर, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं पढ़ता हूँ इस गाथा को। व्यवहारेणु वदिस्सई राणिस्य चरितं दंसणं राणं रविडाणं रचरितं रदंसणं जाणगो शुद्धो। ये गाथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोग समझ गए होंगे गाथा कहाँ से ली गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो समण सुत्तम ग्रंथ है इसमें ये गाथा के जो संकलन है वो भिन्न भिन्न ग्रंथों से लिए गए। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि ये गाथा कहाँ की। ये समय सार की गाथा है, समय सार जो कि आचार्य कुंद कुंद का ग्रंथ है, वहाँ की शायद 7वीं गाथा है। और अभी चूंकि इसके पूर्व में नए चक्र के माध्यम से उन्होंने ये बताया था कि निश्चय और व्यवहार नए, ये दो नए ही मूल हैं, तो उसके आधार पर वो चर्चा कर रहे हैं। और ये बताया था कि व्यवहार नय क्या करता है, भेद करके कथन करता है। व्यवहार नय का काम क्या है, भेद करो और उसका व्यवहार करो। अगर भेद नहीं करेंगे तो व्यवहार होगा ही नहीं होगा, इसलिए भेदोपचार उसका भूमिका है, माने व्यवहार नय का मुख्य उद्देश्य है। वो सारा व्यवहार चलता ही भेद करके है। तो इसलिए इस गाथा में देखिए बहुत बढ़िया बात बतला रहे हैं, बिल्कुल सरल अर्थ हम इसको समझेंगे। व्यवहारेणु वदिस्सई, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी ये गाथा, एक बार साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे। व्यवहारेणु वदिस्सई राणिस्य चरितं दंसणं राणं रविडाणं रचरितं रदंसणं जाणगो शुद्धो। कह रहे हैं व्यवहारेणु वदिस्सई, व्यवहार में से ऐसा कहा जाता है। उवदिस्सई व्यवहारेण, व्यवहारेण माने व्यवहार के द्वारा, यानी व्यवहार नय के माध्यम से उवदिस्सई ऐसा कहा जाता है। राणिस्य चरितं दंसणं राणम, कि ज्ञानी व्यक्ति के चरित्र होता है, दर्शन होता है, ज्ञान होता है। हम लोग तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त आत्मा शुद्ध होती है, इसलिए यहां कह रहे हैं ज्ञानी के दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये तीन, ये जो बात बताते हैं वो कह रहे हैं किस दृष्टि से कहा जाता है ऐसा। आप देख रहे हैं एक आत्मा में ये तीन भेद करके कथन हो रहा है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। तो कहते हैं ये व्यवहार के कारण ऐसा होता है। व्यवहार नय से देखेंगे तो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र दिखलाई देता है, व्यवहार नय से ऐसा कथन आता है। अगर लेकिन आप शुद्ध नय से देखेंगे यानी निश्चय नय से देखेंगे तो रविडाणम, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, ना दंसणम और ना उसमें दर्शन है। माने ज्ञान दर्शन और चारित्र ये उसके अंदर, एक मिनट चुप रहो, नवीणाणम न चरित्रम
ना उसमें ज्ञान है, ना चरित्र है, ना दर्शन है। तो क्या है? तो वो आत्मा शुद्ध ज्ञायक भाव वाला है। वो शुद्धता अगर निश्चय ने से देखेंगे तो आत्मा में क्या है? शुद्ध ज्ञायक भाव है। ना उसमें ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चरित्र है। और अगर उसको इस दृष्टि से कथन करते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये इसके गुण धर्म है, ऐसा करके कथन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन होता है। तो आपने देख लिया ना, व्यवहार नय क्या करता है? भेद करके कथन करता है। चाहे वो गुणों की अपेक्षा भेद करे, चाहे धर्म की अपेक्षा भेद करे, चाहे कैसे भी करे, वो भेद करके ही बात करता है। तो जब हम व्यवहार में ऐसे देखते हैं तो आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, ऐसा कथन करना पड़ता है। लेकिन जब निश्चय ने ऐसे देखते हैं तो कह रहे हैं ना उसमें ज्ञान है, ना चरित्र है, ना दर्शन है, बोले कुछ नहीं हो तो सिर्फ ज्ञायक भाव है, एकमात्र ज्ञायक शुद्ध भाव, शुद्ध नय की दृष्टि। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से समय सार में निश्चय और व्यवहार कितना महीन भेद हो सकता है और कैसे उसका उस विवक्षा से वर्णन किया जाता है, ये इसके माध्यम से समझने में आता है। अब इसी तरह आप देखिए 37वीं गाथा, बिल्कुल हम लोग इसके सरल अर्थ को ले रहे हैं, ज्यादा इसकी और बहुत गहरी व्याख्या में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मूल मूल बातों को समझते हैं। एवं व्यवहारणो पड़ी सिद्धो जानिच्छयेण ऋच्छयया सिदा पुण मुनिनो पावन्तिणे वारम्। एवं व्यवहारणयो पड़ी सिद्धो जानिच्छयेण, इस प्रकार जब हम निश्चय नय को जान लेते हैं, माने निश्चय नय चूंकि आत्माश्रित है तो निश्चय नय के द्वारा, इस प्रकार निश्चय नय के द्वारा व्यवहार का प्रतिषेध किया जाता है। माने चूंकि निश्चय व्यवहार का विषय नहीं है, निश्चय से व्यवहार के विषय को नहीं देखा जाता है, निश्चय अपना विषय देखता है, तो इसलिए निश्चय व्यवहार का प्रतिषेधक माना जाता है। कि वो व्यवहार का विषय समझना होगा तो व्यवहार के पास जाना पड़ेगा, और निश्चय का विषय समझना होगा तो निश्चय के पास जाना होगा। तो जब निश्चय ने से देखा जाता है तो उस समय व्यवहार प्रतिषिद्ध हो जाता है। इस प्रकार, क्योंकि वो पराश्रित कथन है, व्यवहार का कथन कैसा होता है? पराश्रित होता है। और स्वाश्रित यानी आत्माश्रित कथन होता है निश्चय का। तो निश्चय ने का प्रतिषेध किया जाता है। और अड़िच्छया सिदा पुण, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि निश्चय जो मुनि लोग हैं, मुनिनो पावंति निब्बाण, प्रायः जो दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष मार्ग के पथ पर संयम धारण करके जो मुनि जन लगे हुए हैं साधना में, वो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं, आत्माश्रित होते हैं। निश्चय नय का निश्चय नयाश्रिता यानी वो आत्मा के आश्रय से ही सारी बात करते हैं, और दृष्टि भी उनकी आत्माश्रित ही होती है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग अंगीकार कर लिया है। तो जो मुनि निश्चय नय के आश्रित होते हैं वो शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं, पावंति निर्वाणम। संस्कृत छाया में भी देखेंगे तो निश्चय नये न व्यवहार नयम प्रतिषिद्धम जानी, हाँ, निश्चय नय के माध्यम से व्यवहार नय को प्रतिषिद्ध जानो। और निश्चय ने आश्रिता परम मुनिः प्राप्नुवन्ति निर्वाणं प्राप्नुवन्ति, निश्चय ने के आश्रय से जो मुनि लोग हैं वह निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये दोनों ही गाथाएं गाथा समय सार की हैं, एक 7वीं गाथा है और एक 272 नंबर की गाथा है, लेकिन उन्होंने एक क्रम बनाया है ताकि विषय बिल्कुल जुड़ा हुआ चले। तो इस प्रकार निश्चय और व्यवहार की गहराई को समझाने का प्रयास समण सुक्तम में इन दो गाथाओं के माध्यम से किया गया है। और निश्चय और व्यवहार को लेकर और भी बहुत सारी बातें हैं, आगे की गाथाओं में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज हम इसकी चर्चा यहीं तक सीमित करते हैं।
जय जिनेंद्र, रमो जिड़ाड़ो।